सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 9 इसके फ्यूचर अपडेट के बारे में। MIUI 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है आपको रेडमी नोट 9 जो डिवाइस है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे यूजर है जिनको अभी तक भी अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सो कब तक मिलेगा, इसकी कन्फर्म डेट है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस अपडेट के अंदर आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर है जो कि पर देखने को मिलते हैं। सो अगर आप लोग एक Redmi Note 9 डिवाइस के यूजर हैं, सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है आपको सबसे पहले इसी चैनल पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों से बात करूं Redmi Note 9 डिवाइस के बारे में। सो 4 दिन पहले 28 जुलाई को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट है MIUI 12.5.1.0 का अपडेट है, वो फाइनली Redmi Note 9 जो डिवाइस है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल चुका था। और इस अपडेट की टोटल साइज आपको 2.1 GB की यहाँ पर देखने को मिलती है और आपको कंबाइंड अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 प्लस MIUI 12.5। सो एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दोनों अपडेट है वो एक साथ यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो है वो भी यहाँ पर बना के रखी है कि आपको यहाँ पर कौन कौन से फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो अभी तक भी यहाँ पर देखी नहीं है सो उस वीडियो को भी यहाँ पर देख लेना, उसका लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पर प्रेस करके देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो अपडेट है वो आपको ओनली पायलट जो यूजर है उन्हीं को यहाँ पर देखने को मिला है और जो नॉर्मल यूजर है उनको अपडेट अभी तक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सो कब तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूजर के यहाँ पर कमेंट आते हैं। सो आपको ये जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी अंडर 1 वीक यहाँ पर कंफर्मली देखने को मिल जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है क्योंकि अपडेट है आपको ओनली 1 आवर के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा और 1 आवर के बाद में अपडेट फिर से यहाँ पर रोल बैक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आज अपडेट नहीं करते कल कर लेंगे, कल क्योंकि डाटा है आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है एवरीडे, सो इसलिए वो अपडेट है वो यहाँ पर रोल बैक हो जाता है। सो जैसे आपको अपडेट यहाँ पर देखने को मिले अपने डिवाइस के अंदर उसको यहाँ पर ग्रैब कर लेना, फटाफट से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना क्योंकि अपडेट है वो यहाँ पर फिर से रोल बैक हो सकता है। सो मैंने आपको बता दिया कि आपको अंडर 1 वीक की जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है और अगर आप लोगों को पता नहीं चलता है कैसे अपडेट को यहाँ पर ग्रैब करना है सो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम जो ग्रुप है चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होता है सबसे पहले आपको न्यूज है स्क्रीनशॉट के साथ में वहीं पे देखने को मिल जाएगी और जैसे ये जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होगा उसके आधे घंटे बाद में आपको इसी चैनल पे यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इस अपडेट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा कुछ बग्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। आपको एक कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर एक छोटा सा बग है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जब आप लोग ऐसे कुछ स्क्रॉल करते हो और आपको ज्यादा कुछ बग्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं इसी अपडेट के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर वेट कीजिए, हो सकता है ये जो अपडेट है आपको कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है और 1 वीक में कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रहिए और यहाँ पर अपडेट को जरूर से यहाँ पर चेक करते रहिए हर दिन। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर शेयर करनी थी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।